हाय, मैं हूँ राज शमानी एंड आप देख रहे हैं राज शमानी क्लिप्स चैनल। अगर आपको बेहतर लीडर बनना है और ऐसे बहुत नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया के टॉप लीडर्स से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेके आते हैं आपके लिए। चाइना एज अ कंट्री इज नॉट एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। तो जहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे ना लोग आपको खुली बाहों से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है ना उसमें कुछ गड़बड़ है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इंसान की वैल्यू सिस्टम। तो अगर आपके वैल्यू सिस्टम में गड़बड़ है, आप क्या करते हो? बहुत ओपेक कंट्री है चाइना। चाइना इज नॉट ट्रांसपेरेंट जैसे हम इतने ट्रांसपेरेंट है। तो वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें अभी तक नहीं पता। कोविड में कितने लोग मरे कितने लोग नहीं मरे, क्या हुआ, कोविड कहाँ से आया, कुछ नहीं पता चल पाया हमें। हम सब लोग बाहर बैठ के स्पेक्यूलेशन ही कर रहे हैं। मीडिया फ्री नहीं है, हमारी मीडिया तो कुछ भी किसी के लिए भी कुछ भी छाप दे, और मीडिया नहीं छापे तो सोशल मीडिया छाप दे। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, सब कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट एक मूवी थी चाइनीज हसल, जिस मूवी में क्या दिखाया कि कुछ चाइनीज कंपनीज ने अपना US ऑफिस खोला और US पे स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना स्टार्ट कर गए, और बहुत सारे बड़े बड़े US के बैंक ने उनमें बहुत पैसा लगाया और उसकी स्टॉक बढ़ाते गए। एंड वहाँ पे फिर वो चेकिंग के लिए जब US अथॉरिटीज जाती थी चाइना के छोटे ऑफिसेज में, तो चाइना मना कर देता था कि हम दूसरी कंट्री को अलाउ नहीं करते हमारे इधर चेकिंग करना। तो रियलिटी में जो कंपनी एक इतने से स्टूडियो के बराबर होगी उसका स्टॉक मार्केट में वैल्यू दिखाते थे कि हजारों करोड़ों की कंपनी है और उसके ऊपर बहुत लोगों ने पैसे कमाए। सो ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से ऐसे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं उधर जो आज भी हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। पता नहीं है क्योंकि वो क्लोज करके रखता है। सो दैट्स व्हाट ट्रस्ट है। आप देखो, जो सबसे ज्यादा हम लोग के यहाँ पॉपुलर टेक्स्ट है रामायण, उसमें जो रावण था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, इतना बड़ा शिव का भक्त था। ऐसा कहा जाता है उससे बड़ा भक्त नहीं पैदा हुआ, उससे ज्यादा बलशाली कोई पैदा नहीं हुआ, इतना पावरफुल था। अमीर इतना कि जो धन के राजा होते हैं कुबेर, वो उसके यहाँ पानी भरते थे। और जो काल था, जो ये डिसाइड करता है कौन कब पैदा होगा कौन कब मरेगा, उसको वो अपने पैर के नीचे रखता था। सिंहासन पे जब बैठता था तो पैर उसके ऊपर रखता था, काल के ऊपर। तो वो डिसाइड करता था कि उसके राज्य में कौन कब पैदा होगा कौन कब मरेगा। तो इतना पावरफुल आदमी एक ऐसे आदमी से हार जाता है जो कि गांव वन में रह रहा है, जिसके पास राजपाट नहीं है, जो बंदरों की सेना लेकर के आ रहा है। तो ऐसा रामचंद्र जी के अंदर ऐसा क्या है जो रावण के अंदर नहीं है? और उसका आंसर है चरित्र। रामचंद्र जी जैसा चरित्र नहीं है, इसीलिए रामचरितमानस कि ऐसा चरित्र नहीं है। तो हमने हमेशा से चरित्र को इंपॉर्टेंस दी है। ट्रू। यही पार्ट हम वर्ल्ड को भी पढ़ा रहे हैं कि आप अपना चरित्र डेवलप करो। आप मेरे से मेरा पैसा ले सकते हो, आप मेरे से मेरी अचीवमेंट्स ले सकते हो, आप मेरे से मेरा ओहदा छीन सकते हो, आप मेरे से मेरा नाम छीन सकते हो, सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन मेरा चरित्र कैसे छीनोगे? चरित्र तो कभी कोई नहीं छीन सकता किसी से। ट्रू। तो आप ऐसी चीज डेवलप करो जो आप रहो या ना रहो तो भी वो रहे। तो आज रामचंद्र जी तो नहीं है लेकिन रामचरितमानस तो है ना। उनका चरित्र, हम आज भी उनको आइडियल मानते हैं और हम चाहते हैं कि हम हमारा भी चरित्र ऐसा हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, वो हमेशा चाहते हैं कि हम ऐसे बने। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है और अपना इंडियन ड्रीम अचीव करना है इंडिया में तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया के टॉप लीडर्स को समझते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आपके लिए ईजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर बन पाए। थैंक यू सो मच।